वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबा दीजिए इस बेल के आइकन को ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब? आप देख रहे हो अग्रवाल जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ इस ओप्पो F11 प्रो की, जिसमें 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है। मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। इसमें प्रोसेसर थोड़ा डिफरेंट है और बहुत सारी चीज़ें इसमें अच्छी डिफरेंट मिल रही है। मेरे को प्रोसेसर में बहुत अजीब सा लगा, इस फ़ोन का प्रोसेसर अजीब सा है। अभी यहाँ पे मैं IMEI नंबर छुपा देता हूँ। बापरे, कितना आउट ऑफ फोकस हो जाता है, भयंकर आउट ऑफ फोकस हो गया है मेरा कैमरा। यार फोकस ले, फोकस फोकस फोकस, अच्छे से फोकस ले, फोकस फोकस ले ले बेटा फोकस। रुक जाओ भाई, एक मिनट ठीक करता हूँ, फिर आते हैं बैक, देखते हैं। फोकस ले, फोकस फोकस। अरे यार फोकस क्यों नहीं ले रहा यार, इतना समय तो मेरे फोकस के कारण चल दिया। खैर वो ले लेगा अपने आप। ये हो गया, ठीक हो जा, ठीक हो जा। देखिए कितना मस्त दिख रहा है ये फ़ोन, ओप्पो F11 प्रो। देखो अब लिया फोकस में आ रहा है, अब आ गया। अब देखिए फोकस में आ गया, लिखा है ब्राइटलैंड प्रोटेक्ट इन किसमें भाई, लो लाइट में। और इधर IMEI नंबर मैं छुपा देता हूँ भाई, बहुत खतरनाक चीज़ है भाई, ब्लर हो जाएगा। इधर प्राइस लिखी है XXXXX, और इधर देखा जाए यहाँ पे भी IMEI नंबर और प्राइस XXXX लिखी है। क्या भाई, कितने सारे एक्स डालोगे, है कि नहीं भाई, गलत काम कर दिया इन्होंने बेशरम। तो हम फटाफट से इसको खोल देते हैं, सील को हम काट दिए हैं, जल्दी से हम ओपन कर लेते हैं। इतना तक के अच्छे आराम से खुला, लेकिन अब थोड़ा टाइट मुझे लगा है, तो फटाफट से हम इधर से ओपन कर लेते हैं। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, हम आगे इसके स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे। इसमें मैं बता दूं, बैक में मिलता है ड्यूल कैमरा, जो कि आता है 48+5 मेगापिक्सल का कैमरा। ड्यूल कैमरा है, ट्रिपल कैमरा नहीं है। वीवो V15 में मिला था ट्रिपल कैमरा। इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है। बाप रे, कितना बेकार सा आउट ऑफ फोकस हो गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा इतना आउट ऑफ फोकस क्यों होता है मेरा कैमरा। बाप रे, कितना आउट ऑफ, अब देखिए कैमरा बोल रहे हो यार, इसको देखिए मस्त से वायर सब मिल जाता है। सुपर वुक को सपोर्ट करता है ये फ़ोन। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं, इधर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। इधर ओप्पो की ब्रांडिंग है, यहाँ पे ऊपर में कैमरा है, ये आप देख सकते हैं कितना मस्त है। बात करें इसके प्रोसेसर की, तो हीलियो का मतलब मीडियाटेक हीलियो P80 मिलता है भाई। अभी आया नहीं है, अलाउंस नहीं किया मीडियाटेक ने, लेकिन ये ओप्पो F11 वाले दे रहे हैं इसको, ओप्पो वाले दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ से जुगाड़ करके लाए हैं। और अगर आपको मेरी बात में यकीन नहीं हो रहा, तो आप गिज़्मो ज्ञान को देख सकते हैं, आप जानते ही होंगे, उनकी वीडियो को देखिएगा जाके, वहाँ पे उन्होंने बताया कि इतनी वाला वो मिलेगा प्रोसेसर। और इसमें 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा है, इसमें सैमसंग का SM वाला सेंसर का यूज़ किया गया है। बैक साइड में यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाते हैं, ग्लास बैक है, और फ्रंट में 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले है, जो कि बहुत अच्छी कर्व्ड डिस्प्ले है, जैसे कि ओप्पो फाइंड एक्स में मिली थी। दोस्तों इसमें फ्रंट कैमरे में मिल जाता है पूरे 32 मेगापिक्सल का कैमरा, जैसे कि मिला था वीवो V15 प्रो में। तो बस आज के वीडियो में इतना ही।